हाय दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका कारपोरेट टेक में। आज जो हम बात कर रहे हैं कुछ बेहतरीन फीचर के बारे में, क्रोम के बारे में बात करेंगे आप से हम। क्रोम एक ऐसा फीचर है कि अगर दो वीडियो आप प्ले कर रहे हैं क्रोम में, जस्ट लाइक ये वीडियो प्ले हो रहा है, आज वो दोनों ये प्ले हो रहा है, इसके अलावा एक और वीडियो हम ये भी प्ले कर रहे हैं, अगर दोनों एक साथ प्ले हो रहा है, अगर किसी वीडियो को म्यूट करना है तो म्यूट का सर्विस डायरेक्ट में नहीं आता है, तो हम यहाँ पे जाते हैं और हम राइट क्लिक करते हैं। अगर यहाँ पे आता है म्यूट शाइट, अगर यहाँ पे म्यूट कर देते हैं, अगर प्ले हो रहा है, अगर म्यूट कर देते हैं तो ये इसकी आवाज़ नहीं आएगा, कंटिन्यू प्ले होता रहेगा। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे मार्क भी आएगा पर कि ये म्यूट हो चुका है। अगर हम यहाँ पे जाके अनम्यूट करना चाहते हैं तो हम स्टैंड बाई म्यूट कर सकते हैं और प्ले कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा फीचर है इसका कि हाँ, एक क्रोम ब्राउजर कैलकुलेटर का भी काम करता है, जस्ट लाइक 4 + 2 हम करते हैं, देखिए यहाँ पे एकदम 6 आ गया, बल्कि आप यहाँ कैलकुलेशन कर सकते हैं। मतलब आपको जरूरत नहीं है कि कोई दूसरा कैलकुलेटर खोल के यूज करना पड़ेगा, आपको डायरेक्टली यहाँ पे आके आप कैलकुलेशन यूज कर सकते हैं, कैलकुलेटर कोई भी कैलकुलेशन करना हो कैसा भी, तो ठीक है। तीसरा फीचर की बात कर लेते हैं हम, यह एक टाइप का मतलब इमेज व्यूअर के भी काम करता है। जैसे मैं कोई एक इमेज ले लेता हूँ, सपोज डेट मैं एक इमेज एक थंब रूल ले लेता हूँ, ये मैंने ले लिया इमेज और मैं इसको यहाँ पे जाके आपको पेस्ट कर देता हूँ, सॉरी नहीं आ रहा है थोड़ा सा, मैं इसको फिर से ले लेता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ, मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज करता हूँ छोटा सा, फिर इसको ड्रैग करके मैं यहाँ इसको डाल देता हूँ। फिर आप जैसे ही इसको इंटर करेंगे ये जो इमेज है वो खुल जाएगा। इसके अलावा क्रोम एक और काम करता है, यह वीडियो प्लेयर का भी काम कर सकता है। ये वीडियो रहा, मैं इसको ड्रैग करता हूँ, मैं ड्रैग करके यहाँ वीडियो पेस्ट करता हूँ और जैसे वीडियो क्लिक करूँगा इंटर करने के बाद से ये वीडियो डायरेक्टली प्ले हो जाएगा, यहाँ से हम वीडियो भी प्ले कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं इसके अलावा यह एक पीडीएफ व्यूअर का भी काम करता है। अगर कोई पीडीएफ फाइल है और आपके पास पीडीएफ व्यूअर नहीं है, आप नहीं देख पा रहे, तो डायरेक्टली पीडीएफ का भी काम करता है। आप वीडियो कोई भी पीडीएफ फाइल उसको ड्रैग कीजिए और आपका यहाँ पे छोड़ दीजिए, ठीक है, छोड़ के यहाँ पे क्लिक कीजिए, यह जो पीडीएफ होगा फाइल होगा वो इसको डायरेक्टली दिखा देगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको डायरेक्टली प्रिंट भी मार सकते हैं और इसमें भी कर सकते हैं। अगर सपोज डेट कोई यूट्यूब है, जैसे लाइक कोई भी वेबसाइट है, आप ये रहा वेबसाइट, तो इसको आप पिन भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक मैंने अपने ब्लॉगर को पिन किया है यहाँ पे, उस तरह से आप इसको पिन कर सकते हैं। मैंने इसको ऑन पिन कर देता हूँ, मैं ऑन पिन कर देता हूँ, ठीक है। हमारा यूट्यूब है अभी, जस्ट लाइक यूट्यूब हम देख रहे हैं, तो यूट्यूब को हम इसको पिन करना चाहते हैं यहाँ पे, जस्ट लाइक यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे जैसे देखेंगे पिन क्लिक करेंगे तो कॉर्नर में पिन हो गया। यानी जब भी आप क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे तो पिन किया हुआ आएगा, ये आपको फिर से वेबसाइट इनपुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक ये पिन किया हुआ आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद जो बगल में वेबसाइट के ऑप्शन आएंगे वहाँ पे आपको पिन आपको वेबसाइट डालनी होगी, लेकिन ये ऑलरेडी पिन किया हुआ आएगा, ये कभी नहीं हटेगा, इसके लिए आपको फिर से वेबसाइट सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर इसको हटाना चाहते हैं यहाँ से आप अनपिन भी कर सकते हैं, ठीक है, ये फैसिलिटी है। तो हम आज ये वीडियो कहीं पे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि मैंने चाहता कि वीडियो बहुत लंबा हो, छोटा वीडियो हो, बेहतर वीडियो आपके लिए। दोस्तों से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू।